जय हिंद, मैं हूं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा है, जबकि अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसमें मुद्दा भी यही था कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन को रोका जाएगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा आया था, जो लोगों को प्रेरित किया था, वो है राशन वितरण प्रणाली। राशन वितरण हमारे सर्वे में भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि हमें महंगाई से कोई लेना देना नहीं, हमें राशन मिल रहा है यही बहुत इनफ है। इस सरकार की सबसे बड़ी योजना यही थी इस कि राशन हर घर में लगभग मिल रहा था, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अगर धरातल पे देखा जाए तो इसी एक क्रम में यानी राशन वितरण में ही इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हर कोई इसमें लिप्त दिखाई दे रहा है। आज हम फिर बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसके बारे में ऑलरेडी इस ग्रामवासियों ने कई शिकायतें कर चुकी हैं, ऑलरेडी हमारी भी कुछ अधिकारियों से बात हुई है जिसमें ये पता चल रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा जिगनी की। आज जब हम यहाँ पहुँचे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जो कोरोना काल में स्कूल्स बंद थी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने एक योजना ये निकाली कि इनको कुछ राशन लगभग 13.5 किलो इनको वितरण किया जाएगा और उसके बाद कुछ पैसे भी वगैरह देने का वादा किया गया था। राशन तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार कई दिनों से बुलाए जाते हैं। ये होता है कि आ जाए राशन लेने, राशन लेने जब बच्चे पहुँचते हैं तो पता ये चलता है कि उनके घर वाले जो राशन वितरण करने वाला बंदा है उसका कहना ये होता है, उसके घर वालों का कहना ये होता है कि वो आज हैं नहीं, कहीं बाहर गए हुए, यानी रोज़ टाल मटोल किए हुआ है और पूरी तरह से राशन नहीं दे रहा है। सर बच्चे मायूस होकर आते हैं, अपनी कक्षाएं छोड़ के वो बच्चे जाते हैं राशन लेने, लेकिन उनको राशन मिलता नहीं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, उनसे ही हम सुनेंगे कि वो आखिर हुआ क्या। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जहाँ गवर्नमेंट एक तरफ ये कह रही है कि इतना ज़्यादा अनुशासित कर दिया है, हमने कानून व्यवस्था शुद्ध कर दी है, करप्शन को मुक्त कर दिया है, करप्शन ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये है कि इनके अधिकारियों की सांठगांठ या फिर इन लोगों में कहीं ना कहीं एक लालच है, भय जो है वो पैदा नहीं हो रहा है। भय पैदा क्यों नहीं हो रहा है, ये एक सवाल लगातार बना हुआ है। आखिर क्यों इनकी हिम्मतें, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है, अभी गवर्नमेंट बननी है फिर से भाजपा की ही और योगी जी ही सीएम बनेंगे, वही योगी जी जिनका कहना यह है कि हमने इस यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है, गुंडा मुक्त कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचारी कहां से पनप रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इनको हिम्मत कौन दे रहा है, ये एक सवाल बना हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बच्चों ये बताओ क्या नाम है आपका? रंजू चौरसिया। किस क्लास में हो बेटा? 8th क्लास में। ये बताइए राशन लेने आप लोग जाते हो तो क्या होता है? सर वहाँ भी बोलते हैं कुछ दिन बाद आना आएगा तो फिर दे देंगे। ऐसा कब से कर रहे हैं सर? कई बार किए? कई बार नहीं, 15 दिन सर। 15 दिन से? बार से हुआ। अच्छा, कितनी बार जा चुके हो आप राशन लेने? 5-6 बार। 5-6 बार में भी इन्होंने दिया नहीं? नहीं, हमेशा यही कहते हैं बाद में आओ। जी आपको बेटा? सर हमसे यही बोलते हैं। अच्छा। बोलते हैं 4-5 दिन बाद आओ। 4-5 दिन बाद आओ और देते हैं 4-5 दिन बाद? नहीं नहीं, कभी नहीं दिए? नहीं दिए। क्या करना बेटा? जब जाते हैं कहते हैं घर पर ही नहीं है, कहीं गोंडा गए हैं, घर ही नहीं रहते सर। अच्छा, घर पर नहीं रहते, हमेशा बहाने करते रहते। हाँ। क्या करना बेटा, तुम भी गए थे राशन लेने? जी। तो क्या बोला गया? कहते थे अरे अभी बाहर गए हैं सादुल्ला नगर गोंडा, एक झूठ बोल बोल के वो करते हैं। कितनी बार गए बेटा? 5-6 बार। 5-6 बार गया। तुम लोग जाते हो बेटा राशन लेने जाते हो? तो क्या बोला जाता है? देते नहीं है? अच्छा पिछले महीने में दिए थे? पिछले महीने भी नहीं दिया गया। ये तो आपने देखी इन बच्चों की पीड़ा, इन बच्चों की वेदना। अब आइए आपको बताते हैं अंत्योदय के बारे में। अंत्योदय कार्ड जो कार्ड धारक जितने भी थे जिनके लिए गवर्नमेंट ने राशन फ्री में देने का वादा किया था और मिलता भी था, लेकिन बहुत सारी जगह पे होता यह है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को इक्का दुक्का लोगों को दे दिया जाता है, दे उन्हीं को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं रिलेटिव होते हैं या फिर जिनका इन्फ्लुएंस बड़ा अच्छा होता है या जिनकी पैरवी कोई अच्छा नेता या बड़ा नेता या कोई भी ऐसा आदमी कर दे जो अपने आप में तुर्रम खां हो। लेकिन ज़्यादातर अंत्योदय कार्ड धारक बेचारे वो मायूस होकर ही वापस लौटते हैं। या हमारे साथ कुछ अंत्योदय कार्ड धारक भी हैं जिनका कहना ये है कि हमें पूरी तरह से राशन कभी मिला ही नहीं है, हालांकि महीने में 2 बार मिलना चाहिए लेकिन 1 बार भी इनको नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है कि आखिर वो अनुशासन कहाँ गया, वो सारी व्यवस्था कानून व्यवस्था या फिर वो करप्शन मुक्त उत्तर प्रदेश कहाँ गया।